हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याम इलेक्ट्रिको में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पांच तरह के ऐसे क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में जानने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होगा। रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया है, तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया आइए हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से केबल उपयोग में लाए जाते हैं। सेकेंड पूछा गया था, सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और थर्ड में पूछा गया था, सर्किट ब्रेकर क्या है और क्या होता है, ठीक है। और फोर्थ में पूछा गया था, फ्यूज क्या होता है। और फिफ्थ नंबर में पूछा गया था, फिफ्थ को ओवरलैपिंग क्या है, ठीक है। दोस्तों, आपको बता दूं, आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एक इलेक्ट्रीशियन है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो 101% चांस है इस वीडियो में कि आपको जो आंसर बताऊंगा आप ऐसे बताते हैं बिल्कुल सिंपल तरीका से, तो आप पास होना तय है इंटरव्यू में। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें। पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करना ना भूलें आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन सा केबल उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपको बता दूं दोस्तों, आंसर में तीन स्टेप में बताऊंगा जो कि अलग अलग टाइप के केबल का उपयोग हम यूज करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि लो टेंशन के लिए केबल हम यूज करेंगे जो कि होगा 1000 वोल्टेज तक, ठीक है। 1000 वोल्टेज तक का होगा, उसे हम लो टेंशन में यूज करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन में यूज करेंगे वो केबल को 1000 वोल्टेज तक, याद रहे आपको, ठीक है। और सेकेंड हम लोग जानेंगे हाई टेंशन में हम केबल यूज करें 33000 वोल्ट के लिए, ठीक है। 33000 वोल्ट तक का केबल हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन के लिए। ओके दोस्त, क्लियर हो गया। अभी हम लोग सुपर टेंशन में क्या करेंगे, सुपर टेंशन में वो 66 kV से लेकर 132 kV वोल्ट तक के लिए हम ट्रांसमिशन में ये केबल इतना का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, आपको तीन स्टेप में बता दिया, लो टेंशन में, हाई टेंशन में और सुपर टेंशन में, उस समय कौन कौन सा केबल कितने वोल्ट का हम यूज करेंगे। ओके दोस्त, क्लियर हो गया ना। अब क्वेश्चन जानते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन होगा सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ओके, आपसे पूछ दिया जाएगा, भाई सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, जो सर्किट जो ब्रेकर होता है वो क्या होता है, तो आपको आंसर देना है। सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर, FSC सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, आयल सर्किट ब्रेकर आदि सर्किट ब्रेकर होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जो कि ये हम ज़्यादातर ये जगह जगह पे जो जहाँ पे रिक्वायर है वहाँ पे हम यूज करते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होता है जो कि ये वीडियो जो है इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग लाइन में जो इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं उनके लिए है ये वीडियो। दोनों आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके दोस्त, अब हम लोग जान लेते हैं तीन नंबर का क्वेश्चन, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है दोस्त। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, भाई बताओ आप सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, सर्किट ब्रेकर ऐसा डिवाइस है, ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि कभी भी फॉल्ट या फिर सर्किट में फेलर होने के कारण किसी भी प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन में सर्किट में कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं, सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व हो तो इसे फिर से कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थात वापस उपयोग में आ सकता है, इसको हम सर्किट कहते हैं, ठीक है, सर्किट ब्रेकर कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्त, आइए हम लोग जान लेते हैं नंबर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाएगा फ्यूज क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्यूज क्या होता है। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हूँ फ्यूज और ब्रेकर के, MCB ब्रेकर के बारे में, आप जाकर जरूर देखें वीडियो मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, फ्यूज एक प्रकार का प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, एक स्ट्रिप ऑफ वायर से बना होता है, जबकि सर्किट करंट के अलावा अगर ज़्यादा करंट आती है तो ये मेल्ट हो जाता है और ये ब्रेक हो जाता है, यानी जल जाता है, गल जाता है, ठीक है। और इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, एक पतली सी वायर से बनी होती है, ठीक है। इसको हम लोग फ्यूज बांधते हैं, पतली सी वायर के गांव में देखे होंगे, ये ज़्यादातर अभी भी चलता है, अब तो MCB आ गया, लेकिन ये फ्यूज जो है हम लोग उसको बांधते हैं और वो मेल्ट हो जाता है ना। अगर जैसे 16 एम्पियर है आपका, 32 एम्पियर हो गया ज़्यादा, उससे 16 एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर हो गया तो मेल्ट हो जाता है वो, ठीक है ना, वो ब्रेक हो जाता है। इसको हम रीयूज नहीं कर सकते, इसको बदलते हैं, ठीक है ना, इसको हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, उसको बदलना पड़ता है, इसी को हम फ्यूज कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, ओवरलैपिंग क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, तो आप क्या बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है दोस्त।
ओवरलैपिंग के बारे में जानते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी रेटिंग से ज़्यादा वेट वाट यानी बल्ब लगा होना उससे कि बल्ब से निकलने वाली हाई मतलब हीट के कारण वायर जल जाता है और आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है उससे प्रभावित होकर वो खराब हो जाता है, उससे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग वायर भी होता है, जैसे एक केबल जा रहा है दूसरा केबल उसके ऊपर हो गया और हीट होकर अगर जलता है तो वो उसको भी ओवरलैपिंग कहते हैं। एक के ऊपर एक केबल रहता है, अगर एक केबल में ज़्यादा हीटिंग होकर के शॉर्ट सर्किट होता है और ख़राब होता है तो नीचे वाला भी ख़राब हो जाएगा, उसको भी ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे बहुत खुशी होगी ये वीडियो आपके थोड़ी भी काम आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके बताएं अगला क्वेश्चन किस पे बनाएं। आप क्वेश्चन ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।